जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, बालाजी का यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको जो अनुभव बताने जा रहा हूँ वो तुम्हें 10 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। 10 बार ऐसा भी हो सकता है क्या कि आज तक आपने चमत्कार सुने होंगे, ये वीडियो देखिए उसकी, और इस वीडियो में ये जो हैं इन्होंने सच बताया, और सिर्फ सच बताया। ये बहुत बड़े भक्त हैं हनुमान जी के, सनी इनका नाम है। इन्होंने हमें अनुभव लिख के भेजा है। इन्होंने बताया कि इनका एक बहुत अच्छा दोस्त, जो कि उसकी शादी हुई, अच्छी शादी हुई, बहुत खुशी से लाइफ गुजर रही थी, और उसके बाद क्या होता है कि उनको एक लड़का भी होता है, और होने के बाद उनका घर जो है वो कुछ इस तरीके से है, गांव वाला जो घर है उनका, कि टैंक वैंक जैसे होते हैं ना घरों में, खेत वेत टाइप के सब्जी वब्जी उगा रखी, इस तरह की चीज़ भी है, उस तरह का मतलब घेर वेर भी अच्छा पड़ा है, तो वहाँ पे वो रहते थे। तो उनका लड़का चलता भी था, मतलब थोड़ा बहुत जैसे चलते ना बच्चे, वैसे चलता भी था, 2-3 साल का लड़का था। क्या हुआ कि बारिश एक रात बहुत ज़्यादा आई, बहुत ज़्यादा आई, तो उनके दादा जो थे, ठीक है, मतलब लड़के के पापा जो थे, वो टैंक साफ़ कर रहे थे। टैंक साफ़ करते करते बहुत तेज़ बारिश आई, तो किसी वजह से उन्हें जाना पड़ा और वो टैंक का ढक्कन खुला छोड़ गया, छूट गया ढक्कन। उनका टैंक वो छत के ऊपर होता है, जो वैसा नहीं था, जो वैसे नीचे टैंक होता ना वैसा टैंक था, टैंक का ढक्कन खुला छूट गया, और बारिश की वजह से वो चल के अंदर जल्दी चले गए कि बाद में देखूंगा, और वो भूल गए ढक्कन बंद करना। और वो जो छोटा बच्चा था, जो लड़का था, जिसको देख के सब खुश होते थे, गुदगुदाते थे, इंजॉय करते थे बच्चे को, आपको भी पता है कि कितनी खुशी होती है, तो वो बच्चा बहुत देर तक ढूंढा, मिला नहीं सबको, कई घंटे ढूंढा, फिर ध्यान आया कि भाई उस जगह पर जो हमारा टैंक है वहाँ तो हमने देखा नहीं है, अरे उसका तो ढक्कन खुला हुआ लग रहा है। तो जब जा कर के देखा, उसका ढक्कन हटा हुआ था, और देखा झांका उसको, वो बच्चा वहाँ पड़ा हुआ था, कितनी देर तड़पा होगा, वो बेचारा मर गया, उसकी डेड बॉडी वहाँ से निकाली। इतना सदमे में थे वो, उस जो लड़का मरा उसके दादाजी, यानी कि इनके दोस्त जो सन्नी जी हैं, इनके दोस्त के पापा और इनके दोस्त और उनकी वाइफ कितने सदमे में थे कि क्या बताऊँ। कई महीने गुजर गए सदमे में उनको, फिर सडनली एक इनको सन्नी जी को इनकी दोस्त से बात हुई, होती रहती थी, तो बहुत समय बाद, बहुत महीनों बाद उनसे बात हुई, होती रहती थी, फिर एक बार बात हुई जब बाद में, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी भाभी को बच्चा होने वाला है, प्रेगनेंसी फिर से है। तो ये बड़े खुश हुए, ये हनुमान जी के भक्त हैं सनी जी, ठीक है। मुझे याद नहीं है इन्होंने ईमेल में ये तो नहीं कहा था शायद कि नाम बताना या नहीं बताना, मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना अच्छा अनुभव लगा कि मैं नाम बताने पर मजबूर हो गया। तो इन्होंने जब सुना कि शायद कल प्रेगनेंसी, मतलब प्रेग्नेंट हो गई हैं और शायद कल डिलीवरी होगी, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो इन्होंने एक पर्ची पर लिख करके उस दोस्त के हाथ में दिया कुछ, और कुछ हाथ में दे करके बोला इस पर्ची को कल खोलना जब मैं बताऊंगा तब, ठीक है, जेब में रख लिया, उसने जेब में रख लिया। और ये अपने घर पे आके हनुमान जी से पूरी रात विनती करते रहे, प्रभु सोचो जरा क्या विनती की होगी इन्होंने, भक्ति इन्होंने की थी, इन्होंने विनती की किसी और के लिए, अपने दोस्त के लिए, दोस्त की फैमिली के लिए, जो बहुत तड़प रहे थे बेचारे, जिनका जाता है ना बच्चा, छोटा बच्चा जिसके पूरे परिवार बंधा होता है, उसको पता होता पूरी बात, उनको दर्द पता होता है, हम तुम समझ भी नहीं सकते उस दर्द को। जब उन्होंने इन्होंने पर्ची दी, और वो पर्ची उन्होंने रखी कि पूरी रात इन्होंने पूजा पाठ और विनती की, सुबह जब उठने वाले होते हैं इनके कान में आवाज़ आती है कि उस लड़के का नाम पवन रखना। इनके पास हनुमान जी की शक्ति है, सनी जी के पास, हनुमान जी से विनती की उन्होंने, हनुमान जी ही बोलूँगा, हनुमान जी ने कान में आके बोला कि उस लड़के का नाम पवन रखना।
एकदम आवाज़ सुनते ही इनके रोंगटे खड़े हो गए, आँख खुल गई, नींद चली गई, समझ गए, आधा समझ में आ गया था इनको। फिर सुबह वहाँ से फ़ोन आया 11 बजे के आसपास कि हेलो, हाँ मैं तेरे दोस्त बोल रहा हूँ भाई, क्या हाल है? हाँ ठीक, खुशखबरी हुई है, हमारा वो लड़का वापस आ गया जो मरा था। रोंगटे खड़े हो गए ऐसी बात, वो लड़का जो हमारा मरा था वो वापस आ गया है। तो इन्होंने बोला कि उसका नाम पवन रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, और जो मैंने तेरे को पर्ची दी थी वो खोल के देख। एक दिन पहले इन्होंने पर्ची दी थी, एक डेढ़ दिन पहले, उस पर्चे पे लिखा था कि पुत्र होगा तुम्हारा वो ही लड़का वापस आएगा, ये लिखा था। वो पर्ची खोली तो देखा उसने ये लिखा, वो भी चौंक गए, ये भी चौंक गए, ये इनको तो इन्होंने तो लिखा ही था। फिर उन्होंने उनका नाम पवन ही रखा। और इस अनुभव से आपको ये मालूम चलेगा कि किस तरीके से हनुमान जी से विनती की, हनुमान जी ने वही बेटा जो उनका मर गया था वो वापस भेज दिया, जिसका शरीर नष्ट हो गया था दूसरे शरीर में उसे वापस भेज दिया हनुमान जी महाराज। और ये बोला कि कान में इनके आकर के कि उसका नाम पवन रखना, पवन ही नाम मुझे लगता है उन्होंने रखा होगा। ये हमारे पास अनुभव आया था तो हमें इतना जोश आया इस अनुभव को, और मैंने जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इतनी खुशी सी हो रही है कि बताओ, किसी को तो खुशी मिली हनुमान जी की वजह से। ऐसे कितने परिवार हैं जो हनुमान जी की वजह से खुश हैं, हनुमान जी की वजह से उनके दुख दूर हुए हैं या उनकी खुशियां वापस लौट के आई हैं। जिनकी नहीं आई हैं या जो परेशान हैं उनकी भी आएंगी, संयम विश्वास रखना चाहिए। ये अनुभव आपको कैसा लगा? मैंने पहले ही अनुभव के शुरू में बताया था कि अनुभव आपको 10 बार सोचने पर मजबूर कर देगा कि ऐसा भी होता है क्या, मरने के बाद किसी का शरीर वापस उस शरीर में आ जाए, दूसरा शरीर लेकर के। बहुत बड़ी बात, यह हनुमान जी के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। क्योंकि बजरंगबली दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम से दुर्गम, मुश्किल से मुश्किल काज को हनुमान जी ऐसे कर देते हैं। सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, दुर्गम काज को सुगम बना देते हो, आसान बना देते हो। यह अनुभव से मुझे लगता है आपका और जोश बढ़ेगा हनुमान जी के प्रति, और भक्ति बढ़ेगी, और भक्ति बढ़ेगी तो विश्वास भी बढ़ेगा और आपके कार्य भी सिद्ध होंगे। हनुमान जी आपके सिर पे ऐसे हाथ रख देंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।